हेलो एवरीवन, मायसेल्फ स्वप्निल सर, और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क ही दिया था इनफैक्ट, और लास्ट उसके पहले क्लास में मैंने कुछ कवर कराए थे, कुछ थ्योरम्स, पास थ्योरम्स कवर कराए थे, 5 या 6 जो भी है। तो उन थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, और मैंने कहा था प्रीवियस क्लास में कि कुछ मैंने होमवर्क अटैच किया था एक्सरसाइज 6.2 का, जो कि तुम्हें करना था अच्छे से। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे अभी तक कोई भी डाउट्स अपने पूछे नहीं है, क्योंकि वो देखो ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.2, जो भी मैंने थ्योरम्स बताए 5, तो वो पूरे इस चैप्टर के, इस पूरे मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक है। क्योंकि ये जो थ्योरम्स है वो आगे भी आने वाले हैं, जब तुम क्लास 10th में जाओगे तो उसका भी बहुत यूज होने वाला है। तो इसीलिए ये सब थ्योरम्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। तो इसलिए मैंने वो एक्सरसाइज 6.2 दी थी, ताकि सबको अच्छे से वो थ्योरम्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुम लोग पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। मुझे किसी ने अभी तक एक भी डाउट नहीं पूछा है उसके अंदर से, तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास के पहले मुझे जो भी डाउट्स है तुम्हारे, उस एक्सरसाइज 6.2 पूरी के पूरी अटेम्प्ट करो, जो मैंने दी है, प्रोवाइड की है, उसको पूरी अटेम्प्ट करो। और अगर उसमें कोई डाउट बचता है तो पूछो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसके वीडियोस बनाना चालू करूंगा, या फिर लाइव लेक्चर्स भी अपन ले सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जो भी है तुम लोग ही बताओगे फटाफट कि लेक्चर, मतलब जो भी डाउट्स है तुम लोग के कैसे हैं, ठीक है। चलो, आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे आज 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बेसिकली ट्रायंगल्स के बारे में कवर करने वाले हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर वापस एक ट्रायंगल्स ही है, तो इसलिए ये जो ट्रायंगल्स वाला टॉपिक वो अपन इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स का बस मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं, जैसे कि देखो ट्रायंगल्स एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज। तो ट्रायंगल, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं, टर्म्स होते हैं, जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं जब अपन ट्रायंगल चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या टर्म पढ़ते हैं, देखो ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, तो ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं ट्रायंगल, 3-sided फिगर, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। लेकिन उसपे कुछ नाम है, उसपे कुछ नामकरण दिया गया हर एक चीजों का, तो उसको ध्यान से देखेंगे। अ क्लोज्ड फिगर, ऑफकोर्स ट्रायंगल मतलब एक क्लोज्ड फिगर रहना चाहिए, फॉर्म बाय 3 intersecting lines। तो देखो 3 intersecting lines होनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 lines जो है वो ऐसे पास हो, मतलब कॉन्करेंट लाइन्स नहीं होनी चाहिए, मतलब तीनों लाइन्स एक पॉइंट से पास नहीं होने चाहिए, तीनों लाइंस ऐसे 3 points देने चाहिए। देखो ये दो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एंड ये दो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये ऐसे क्लोज्ड फिगर फॉर्म हो रहा है, तो ऐसा क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 3 intersecting lines इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, ठीक है। 3 intersecting lines होने चाहिए। अ ट्रायंगल हैज 3 sides। देखो यहाँ पे क्या क्या नाम दिए हैं, तो ये ट्रायंगल है, तो इसके ट्रायंगल के 3 sides होते हैं, 3 sides। साइड्स मतलब क्या होता है, ये जो है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, इनको बोलते हैं साइड्स, और ए बी, बी सी, ए सी, तो ये इसके 3 sides हैं, 3 angles। एंगल्स को कौन से बोलेंगे, तो देखो इनफैक्ट यहां पर मुझे इंटीरियर एंगल लिखना चाहिए, बट मैं 3 angles अगर बोलोगे तो भी चलेगा, 3 angles। तो एंगल कौन कौन से, देखो एंगल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल बी ए सी कॉमा एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए सी हो गया, एबीसी हो गया, एंगल बी सी ए, या फिर ए सी बी भी लिखोगे तो चलेगा। तो इस तरीके से 3 angles है एंड 3 vertices। वर्टाइस मतलब जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो भी पॉइंट्स है, जैसे कि ये एंड ये 3 vertices हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। और अगर ट्रायंगल को अपन यूजुअली नाम जो देते हैं, नामकरण जो करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ट्रायंगल देखो वर्टाइसेस कौन कौन से, एबीसी है, तो हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायंगल में 3 sides है, 3 angles है, 3 vertices है, और इसको ऐसे डिनोट करेंगे ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल ये वाला देखो, ये सिंबल देना जरूरी है, वो रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब वो ट्रायंगल है, और एबीसी वो जो 3 vertices है उस ट्रायंगल के वो बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगल तुम लोगों को पता ही है 3 type के होते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो कि मैंने यहां पे बनाया अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर हमारे पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल रहेगा, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अब देखो समझ में आ रहा होगा राइट एंगल का मतलब, राइट मतलब 90 degree, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इन उस ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस है, जैसे कि देखो ये वाला देख सकते हो ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ये देखो एग्जैक्ट 90 है, और इसमें देखो इनफैक्ट तीनों के तीनों ही क्या है, अक्यूट है, तीनों अक्यूट है, तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल,
एक राइट एंगल और बाकी दोनों बाय डिफॉल्ट एक्यूटी रहेंगे, एक राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर तीनों में से एक ऑब्ट्यूस है तो बच्चे दोनों अक्यूटी रहेंगे। तो अगर एक ऑब्ट्यूस दो अक्यूट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, वापिस से बता दो, तीनों अक्यूट अक्यूट एंगल, एक राइट दो अक्यूट राइट एंगल, एक ऑब्ट्यूस दो अक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो इस तरीके से तीन जो ट्राइंगल्स है वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। नोटेशंस, नेम, नामकरण जो भी मैंने बताया वो सब याद रखना, कि एंगल्स कौन से हैं, साइड्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये सब तुम्हें याद रखना है। कई किताबों में, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, कई किताबों में क्या होता है कि ये जो साइड्स है इनको हम लोग स्मॉल लेटर्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी ए के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं, बी ये जो वर्टेक्स है इसके अपोजिट साइड कौन सी है ए सी, तो उसको स्मॉल लेटर बी से, क्योंकि बी के अपोजिट है, और सी के अपोजिट जो साइड है उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल सी। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, बी ए स्मॉल ए एंड स्मॉल सी। तो जो भी वर्टेक्स के अपोजिट है उसके उसको स्मॉल लेटर से उनके साइड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ए बी बन जाएगा, ए बी देखो ए बी क्या है तो वो बन रहा है सी स्मॉल सी, बी सी क्या बन रहा है तो बी सी बन रहा है स्मॉल ए, ठीक है, और ए सी क्या बन रहा है तो स्मॉल बी। तो इस तरीके से ये भी लेटर्स यूज करते हैं कई बार नोटेट करने के लिए कि ये सब साइड्स है, ठीक है। लेकिन तुम लोग के अभी सिलेबस में ये सब इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम्हें बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, तुम्हें पता होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दो टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि मैंने कहा तीन ही एंगल्स होते हैं। हम लोग जब तीन एंगल्स की बात करते हैं वो बस हम अंदर वाले एंगल्स की बात करते हैं, लेकिन बाहर में भी कुछ एंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं, एक होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इंटीरियर एंगल जो भी मैंने यहां पे लिखे हैं ये एक्चुअल में इंटीरियर एंगल्स ही हैं। जैसे कि मैं अगर मैं ये बनाता हूं कुछ ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो देखो यहां पे एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, तो ये तीन एंगल है। इनफैक्ट तुम एंगल ए को ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो, या फिर एंगल सी ए बी भी लिख सकते हो, तीनों वन एंड द सेम थिंग है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये और ये सेम कैसे हुआ, तो सेम ही है, देखो बस मैं एंगल ए को लिख रहा हूं इसका मतलब वही है। सिमिलरली एंगल बी को लिख रहा हूं इसका मतलब वो कौन सा है, देखो ये वाला है, उसको मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए, दोनों सेम चीज है। सिमिलरली तीसरा जो इंटीरियर एंगल है वो एंगल सी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एंगल ए सी बी, या फिर तुम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एंगल बी सी ए। तो ये सब रिप्रेजेंट करने की इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है कि वो जो क्लोज्ड फिगर है उसके अंदर की तरफ एंगल बनना चाहिए, इसलिए नाम है देखो इंटीरियर अंदर की तरफ। और दूसरा क्या है एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, तो देना ध्यान से देखना इसमें मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाया, देखो यहां पर मैंने कुछ लाइंस एक्सटेंड की है, देखो ए ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, इफ द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये जो साइड बी सी है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, ठीक है। प्रोड्यूस टू डी मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके यहां पे बना रहा हूं कि ये डी है, ठीक है। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तो ऐसे बी सी को प्रोड्यूस करके मैंने यहां पे डी तक लेके गया, मतलब बी सी डी एक लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब बी सी डी एक लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन है। देन एंगल ए सी डी, यानी ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल ए सी डी इज कॉल्ड, तो ये जो एंगल इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल ऐसे इसको नाम दिया गया है। अब तुम लोग बोलोगे सर एक ही एक्सटीरियर एंगल रहेगा क्या, नहीं, बहुत सारे रहेंगे ऐसे। तुम ये भी देख सकते हो एंगल, सपोज मैं ए सी को एक्सटेंड करता हूं, सपोज यहां पे देता हूं ई, या फिर इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां पे देता हूं एफ, इसको देता हूं जी, इसको देता हूं एच, इसको देता हूं आई। तो देखो मैंने यहां पे सबको नाम दिया है, यहां पे बीसी को एक्सटेंड किया, यहां पे एसी को एक्सटेंड किया ई पे, तो देखो ये वाला एंगल जो बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। सिमिलरली ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो ये सब जो मैंने डायग्राम में बनाया है वो एक्सटीरियर एंगल है। बस करना क्या है कि किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करो, जो एक्सटेंडेड जो साइड है वो एंड जो इंटीरियर साइड है, जो अंदर की तरफ जो साइड बन रही है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं ये वाला, लेकिन ये वाला नहीं है, आइदर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये। तो देखो ये सब टोटल ही एक्सटीरियर एंगल है सब, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एंगल दिया है, देखो यहाँ पे कौन सा दिया एंगल ए सी डी,
ये वाला एक्सटीरियर एंगल दिया है क्वेश्चन में, एंगल ए सी डी इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। देखो ये बाहर की तरफ है और ये जो एंगल सी जो है, एंगल ए सी बी, ये इंटीरियर एंगल है। देखो ये अंदर का है और ये बाहर का है, ठीक है। इनफैक्ट अगर एक और चीज अगर नोटिस करोगे तो ये ए सी डी जो एंगल है एंड एंगल बी सी ई, ये दोनों इक्वली रहेंगे। हमने अभी थ्योरम्स पढ़े थे कुछ, ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है कि एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी ई क्या रहेंगे, इक्वल। तो दोनों एक्सटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे, ये इक्वल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल। ये एंगल और ये एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये सब बोल सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं बस एंगल ए सी डी को मानते हुए चल रहा हूं क्योंकि अभी भी आगे कुछ बचा है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट सी, मतलब सी का अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो मैं इसको एक्सटेंड कर दू तो भी चलेगा, या फिर इसको एक्सटेंड कर दू तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों एंगल, जैसे कि मैंने कहा, दोनों एंगल्स क्या है, दोनों एंगल्स क्या है, ये और ये एंगल सेम है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए बी सी एट पॉइंट सी। तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल है। व्हाइल एंगल बी ए सी, तो इसके देखो एक्सटीरियर अगर ये बनाया मैंने तो अंदर में इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं। देखो अब सी को मुझे नहीं देना है तो मैं इसके, देखो यहां पे क्या लिखा है, वाई एंगल बी ए सी कॉमा एंगल ए बी सी। तो देखो कौन से एंगल्स है, बी ए सी एंगल ए बी सी, तो यहां पे मार्क कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये जो मैंने दो एंगल्स बनाए हैं, ठीक है, अंदर में देखो एंगल बी ए सी एंड एंगल ए बी सी, ये दोनों जो क्या है, दीज आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स टू एंगल, टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल लिया है, ठीक है, ये वाला, तो इसके अगर इंटीरियर अपोजिट की बात की जाए तो ये वाला मत लेना, इसके अपोजिट जो अंदर में है वो वाले। सपोज अगर मैं यहां पे इसकी बात करता हूं, सपोज इसमें एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सपोज मैंने इसको एक्सटेंड किया ऐसे, ठीक है, तो ये रहा मेरा एक्सटीरियर एंगल एट बी, ठीक है। और अगर इस एक्सटीरियर एंगल के अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट देखने हैं तो मैं एंगल ए और एंगल सी की बात करूंगा कि एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी जो है वो इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हर एक्सटीरियर एंगल्स के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द जो भी केस है, जो भी डायग्राम है, जैसा भी है, बस याद रखना हर बार ऐसे ही होगा। मैंने यहां पे बस एक ही पर्टिकुलर केस लिखा है, तो यहां पे हर एक छह केसेस के लिए एक केस लिख सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें एंगल आई ए सी की बात करनी है तो देख सकते हो एंगल आई ए सी इज द एक्सटीरियर एंगल एट एंगल एट पॉइंट ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके इंटीरियर अपोजिट कौन कौन से होंगे, तो इसके अपोजिट यानी एंगल एबीसी ये वाला एंगल एंड एंगल एसीबी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल जो रहेंगे वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल रहेंगे। होपफुली यहां पे सारी टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर की है। अभी थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट, मैं कुछ थ्योरम बताऊंगा, आज का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको इतना अच्छे से लिख लो रूप में, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं दो थ्योरम्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आगे लाइफ टाइम तक यूज होने वाले हैं, ठीक है, 10th 11th 12th 13th सब चार सब क्लासेस में ये तो टॉपिक जो है वो पूरा आने ही वाला है। बेसिक कंसेप्ट है जो कि क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो क्या है, देख लेते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बेसिकली यहाँ पे एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे यूजुअली ये एंगल्स अगर लिखे हैं तो इसका मतलब मान लेना है कि वो इंटीरियर है। जब तक ऐसे एक्सटीरियर एंगल लिखा नहीं होता तब तक कुछ नहीं बोल सकते, बस एंगल्स लिखा है मतलब इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो चलो थ्योरम लिखा है तो इसका ऑफकोर्स हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रूफ करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं और देखते हैं कि क्या चाहता क्या है, वो क्या प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, तो ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी, चाहे तो इनको नामकरण देते हैं 1 2 3 या फिर एंगल ए एंगल बी एंगल सी भी बोल सकते हो। तो गिवन क्या है, गिवन में तो कुछ नहीं, वैसे तो ट्रायंगल एबीसी इतना गिवन है, ठीक है। टू प्रूव क्या है,
प्रूफ क्या करना है हमें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि तीनों इंटीरियर एंगल जो भी है उन सबका अगर सम करते हो तो हमेशा 180 डिग्री ही आने वाला है। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ तो देखो प्रोसीजर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे एक लाइन बनाएंगे पासिंग थ्रू है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी पासिंग थ्रू ए। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है तुम्हें कि कोई एक लाइन बना लो जो कि ए से पास कर रहा है और बीसी के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल मतलब देखो ऐसे कुछ बनाते हैं, देखो ध्यान से ऐसे कुछ बना ले रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसे कुछ बना लिया, चलो इसको नेम देते एबीसी है तो यहाँ पे डी बोल देता हूं मैं इसको और यहाँ पे ई बोल देता हूं, ठीक है। तो और दो एंगल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, कौन से देखो, तो एक ये एंगल बनेगा, इसको बोल देता एंगल फोर एंड इसको बोल देता हूं एंगल फाइव। लेट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल फोर एंड एंगल सी ए इज इक्वल टू एंगल फाइव। तो मैंने कुछ और एंगल्स के नामकरण दिए हैं तो उसको भी देखते हैं अभी। तो देखो नाउ एज बी सी इज पैरेलल टू डी ई वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल फोर है एंड ये जो एंगल टू है वो इक्वल रहने वाला है। एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू, राइट, बिकॉज क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ए बी जो है वो ट्रैवर्सल लाइन बन जाएगी और ये दो एंगल्स क्या बन जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बोलना है बोलो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। क्योंकि देखो दो लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है डी और बी सी और ये बन जाएगी इसके इंटीरियर अल्टरनेट और वो दोनों क्या रहता है इक्वल। सिमिलरली एंगल फाइव जो रहेगा वो एंगल थ्री के बराबर रहेगा, वापिस से सेम रीजन बिकॉज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, पूरा ऑफिस से लिखना अच्छे से, फाइव एंड एंगल थ्री देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। फिर एक और चीज क्या देख सकते हो, डी इज अ स्ट्रेट लाइन एस डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल डी ए ई शुड बी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये पूरा जो एंगल कितना होने वाला है, फिर अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल रहेगा 180 डिग्री। और एंगल डी ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल फोर, देखो ये तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा एंगल डी ए, ये पूरा जो एंगल है, ठीक है, तो एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्योंकि पूरा एंगल 180 डिग्री है। बट एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू, देयरफॉर ये बन जाएगा एंगल फोर बन गया एंगल टू, एंगल वन वैसे का वैसे ही, और एंगल फाइव बन जाएगा एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से इसका मैंने प्रूफ किया है कि बस ये लाइन बना पैरेलल अपने आप देखो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री। अब चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, कैसा भी टाइप ऑफ ट्राइंगल हो, लेकिन उन तीनों मतलब एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो भी रहेंगे उन तीनों का सम क्या रहेगा, हमेशा इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि तुम्हें जिंदगी भर याद रखना ही वाला एंगल सम ऑफ अ प्रॉपर्टी है। देखो ये इसलिए बोला था एंगल सम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट थ्योरम, ये वाला थ्योरम जो होगा एक्सटीरियर एंगल्स के लिए थ्योरम है, इस पर देखेंगे क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले देखते स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बना लेता हूं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है ट्राइंगल, ठीक है, मैंने ट्राइंगल बना लिया है ए बी सी। उसने क्या बोला, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, वापिस से प्रोड्यूस मतलब एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, तो हम लोग मैंने यहाँ पे बी सी को प्रोड्यूस किया है टू डी, ठीक है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो एक्सटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो देखो ये इसके इस एक्सटीरियर एंगल के ये दोनों इंटीरियर अपोजिट है, ये मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। तो हमें क्या प्रूफ करना है, चलो पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन बी सी साइड इज प्रोड्यूस्ड टू डी, ठीक है, बी सी साइड को मैंने प्रोड्यूस किया टू डी, देयरफॉर एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर
एंगल एट सी, एक्सटीरियर एंगल एट सी एंड एंगल कौन सा एंगल बी ए सी कॉमा ए बी सी आर इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इंटीरियर अपोजिट कौन कौन से हैं, तो ये दोनों एंगल्स उसके इंटीरियर अपोजिट है। तो हमें प्रूफ क्या करने बोल रहा है, देखो टू प्रूफ, ठीक है जी, तो वापस से नाम दे देते इनको, मैं यहां पे इसको बोल देता हूं वन है, ये टू है, ये थ्री है, और इसको बोल देते ये फोर एंगल, ठीक है ऐसे नाम दे दिया मैंने कुछ। तो सिंगल लेटर से भी दे सकते, ऐसे कुछ दे डबल ट्रिपल देने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बस मैं इसको ऐसी एक लाइन से बता देता हूं कि ये एंगल टू है, ये एंगल थ्री है और ये एंगल फोर है, ठीक है। तो देखो टू प्रूफ, तो उसने क्या बोला, प्रूफ करना क्या है कि उसे प्रूफ करना है कि द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा, तो एंगल वन विल बी इक्वल टू, ये जो एंगल वन है एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल टू और एंगल थ्री का सम आने वाला है एंगल वन। तो ये प्रूफ करने बोल रहा है, तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। अगर तुम्हें ये वाले प्रॉपर्टी अगर क्लियरली समझ में आ गई है तो ये वाली प्रॉपर्टी समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से बाय थ्योरम वन, जो भी थ्योरम वन या फिर बोलो या फिर ऐसे बोलो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, वी कैन से दैट थ्योरम वन में एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इसको मैं बोल देता हूं ये इक्वेशन वन है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर 180 डिग्री हो गया। फिर एक और चीज देखो, बी सी डी इज अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है देख सकते हो बी सी डी जो मैंने लाइन बताई वो पूरी स्ट्रेट लाइन है, देयर फोर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी बोल सकते हो एंगल बी सी डी जो है पूरा 180 डिग्री रहेगा। और एंगल बी सी डी को क्या बोल सकते हो, एंगल बी सी डी जो है ये पूरा एंगल, ये क्या देखो, तो एंगल फोर प्लस एंगल वन इन दोनों का एडिशन है, इन दोनों का सम है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आ गए हैं, अब उन इक्वेशंस का यूज करते हुए हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखो हमें प्रूफ करना क्या है, तो प्रूफ में हमें वन टू और थ्री के बारे में रिलेशन के बारे में देखना है कि वन टू और थ्री, वन इज इक्वल टू टू प्लस थ्री, ये प्रूफ करना है। यहां पे देखो यहां पे कुछ टू थ्री फोर आ रहा है और यहां पे फोर वन फोर और वन आ रहा है, तो मुझे देखो यहां पे फोर चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो एंगल फोर मैं एंगल वन को उधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल वन, ठीक है। चलो इसको मैं वन सेकेंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन ही बोल रहा हूं, ठीक है, इसको कुछ बॉक्स बॉक्स भी नहीं करते, ठीक है, सीधा मैं इसको ही बॉक्स कर रहा हूं। देखो मैंने यहां से निकाला ये एंगल फोर इक्वल टू 180 माइनस एंगल वन, इसको मैं बोल देता हूं सेकेंड इक्वेशन। अब देखो मुझे एंगल फोर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एंगल वन, तो मैं ये जो एंगल फोर है, मैं ये इक्वेशन जो टू है मैं इसकी वैल्यू उठा के मैं यहां पे पुट करूंगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन टू इंटू इक्वेशन वन। तो मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा इक्वेशन, तुम लोग लिख लेना अच्छे से पूरा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन टू इंटू इक्वेशन वन, यानी ये जो इक्वेशन फोर टू में जो एंगल फोर है मैं यहां पे उठा के उसको उसमें पुट करूंगा, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट मतलब उठा के कुछ पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एंगल टू प्लस एंगल थ्री और एंगल फोर है 180 डिग्री माइनस एंगल वन, तो ये एंगल फोर की जगह मैंने यहां पे पुट कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या करते हैं, अब ये जो पूरा है इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये जब मैं दोनों चीजों को उस साइड भेजूंगा तो यहां पे ये प्लस 180 है वो उधर जाके माइनस 180 हो जाएगा, और मैं यहां पे डायरेक्टली मैं सोच सकता हूं कि प्लस ये 180 ये माइनस 180 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां पे माइनस एंगल जो वन है माइनस एंगल वन है तो वहां पे जाएगा तो प्लस एंगल वन हो जाएगा, और फाइनली मुझे मिलेगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल वन। अगर ऐसे बोलो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से इनका प्रूफ किया जाता है, अब से तुम्हें याद रखना है दोनों थ्योरम्स, और तुम्हें प्रूफ पूछ सकते हैं एग्जाम में बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब प्रूफ भी आने चाहिए, कैसे किया हमने, ये प्रूफ इससे आया है और ये वाला प्रूफ नॉर्मल अपना जो पैरेलल लाइंस वाले जो प्रूफ्स हैं उनसे आए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है इसको अच्छे से याद रखना है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या हमेशा रहेगा, उसके दो इंटीरियर एंगल जो है उसका सम उसके बराबर रहेगा, ठीक है।
लिख रहे हैं दोनों थ्योरम्स को। मैं नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ एग्जांपल्स कंटिन्यू करूंगा इसी पे, ठीक है। आज के लिए मेरे को बस थियोरेटिकल टॉपिक कवर करना था, नेक्स्ट क्लास में पूरे बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स जो भी तुम लोग को डाउट है एक्सरसाइज 6.2 में वो भी पूछो, वो भी अपन कुछ कवर करेंगे। तो आज के लिए बस थियोरेटिकल टॉपिक है, तुम चाहिए तो अगर चाहिए तो तुम कंप्लीट भी कर सकते हो अपना एनसीईआरटी का जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, तुम लोग के टेक्स्ट बुक का जो भी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, करस्पॉन्डिंग जो भी इस प्रॉपर्टी पे एक्सरसाइज है दोनों थ्योरम्स पे ट्राइंगल पे, तो वो भी तुम कंप्लीट करना है तो कर सकते हो अगर तुम्हें थ्योरम थॉरली क्लियर हो गया है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग के डाउट्स डिस्कस करेंगे, याद से तुम लोग डाउट पूछोगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो मुझे बता देना, सर कोई डाउट नहीं है सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और अगर डाउट है तो बिल्कुल पूछो। एंड ऑफकोर्स आगे के भी कुछ क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे जो कराने हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पूरा नेक्स्ट क्लास जो पूरा क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा, आज के लिए मतलब थ्योरेटिकल पार्ट तो इस चैप्टर का पूरा खत्म हो गया है, नेक्स्ट पार्ट में अपन पूरा एग्जांपल्स करेंगे और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेरे ख्याल से ट्रायंगल्स या फिर यूक्लिड ज्योमेट्री में से दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट कर सकते हैं। चलो फिर ये खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, एंजॉय।